हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको दो या तीन बात इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक कर देना वीडियो को। देखिए यार, आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे इनमें कोई युद्ध हो गया हो। और आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि हमने 50,000 रुपये लगाए हैं आईटीआई पे, 2 साल वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ मैं, इसमें 50% बच्चा ग्रेजुएट भरेगा इस फॉर्म को। देख लेना आप, जब पूरा लास्ट में आएगा निकल के, 50% बच्चा ग्रेजुएट होगा, जिसमें से बीटेक आपका पीएचडी वाले बच्चे भी इसमें होंगे। और तुम ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है। इसमें पूरा टोटली फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रही है। और गवर्नमेंट का तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि पहले तो पूरा का पूरा आईटीआई कर दिया, अब पूरा का पूरा आईटीआई हटा दिया। तो इससे क्या है कि तुम दोनों में मतलब डिस्प्यूट क्रिएट करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, जिससे कि भर्ती डिले होती रहे। इतने दिनों बाद ये भर्ती आई है, अब ये पूरी नहीं होगी जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती है। और देखिए, बीटेक और पीएचडी वाले भी अगर मांगने लगे कि हमने तो इतने साल तक पढ़ाई की, हमारे इतने वेस्ट हुए हैं और आपके इतना पैसा लगाया, हमें भी 10-20 नंबर एक्स्ट्रा दो, बोनस के दो, तो यार एक ग्रुप डी की जॉब 10th बेस पे पहले भी आती थी। और इसमें जो वर्क है, एक दो पोस्ट को छोड़ के किसी भी पोस्ट में आपका आईटीआई इसमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं देखा जाए तो। तो यार ऐसे आईटीआई वाले ऐसे मत करो तुम। थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपके लिए बढ़ा है जिनके पास आईटीआई है, तो आप कंपटीशन मैदान में आओ और उन्हें दिखाओ कि जिनके पास आईटीआई नहीं है कि देखो हम अभी भी आपसे आगे हैं, ठीक है, कि तुमसे आगे हैं हम अभी भी। कंपटीशन में आके उन्हें 10-20 नंबर, जो आप तुम कह रहे हो कि हमें 10 नंबर एक्स्ट्रा दो आईटीआई वालों को, ऐसे नहीं होता यार, ठीक है। क्योंकि बीटेक वाले मांगने लगे कि हमें भी 10-20 नंबर दो, हम तो बीटेक कर रखे हैं और हम तो पता नहीं रेलवे में क्या क्या चीज़ कर देंगे कि आईटीआई वाले तो कभी भी नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 10th पास की रिक्वायरमेंट है, तो वही तो चाहिएगी। तो यार लड़ाई झगड़ा स्टॉप करो। और इसमें टोटली बेनिफिट गवर्नमेंट का हो जाएगा, जब आप लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो ये भर्ती आपकी जो 6 महीने में पूरी होनी थी, 1 साल लग जाएगी और 2019 आ जाएगा, फिर ये लटक जाएगी। फिर ना तो आईटीआई वालों को जॉब मिलनी, ना नॉन आईटीआई वालों को मिलनी है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए अब इस लड़ाई को, और अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। 10-20 नंबर तो आप एक्स्ट्रा वैसे ले आओगे अगर आप मेहनत कर लो थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर इस वीडियो की थोड़ी सी भी आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी हो, और मेरा ये जो बताने का मोटिव था आपको कि यार लड़ाई झगड़ा स्टॉप करो, और प्लीज़ यार आप पढ़े लिखे हो सभी, तो गाली ग्लोच तो बिल्कुल भी मत करो। जो कमेंट बॉक्स में आपस में आप गाली देते हो, ठीक है, कि मैं कमेंट डिसेबल कर दूंगा, फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे, ऐसा कर सकता हूँ, बट यार गाली वाली बिल्कुल भी मत दो कमेंट में, ठीक है। आपका कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपका बिल्कुल सारे कमेंट पढ़ता हूँ। देखो वहाँ पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि 3-4 हज़ार कमेंट आते हैं, पर आपको मैक्सिमम कमेंट का मैं आंसर वीडियो बना के दे देता हूँ। तो आप मुझे कमेंट में पूछते रहा करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। और आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मैथ की और आपकी साइंस की और आगे भी वीडियो अपलोड होती रहेगी, वो सभी मिलती रहेगी। चैनल के साथ में जुड़ जाएं, नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिया हुआ है बस। और एक लास्ट में यही बात बोलूँगा कि यार अब इस लड़ाई को स्टॉप कर दो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।